दोस्तों, जय माता दी, जय भैरवनाथ। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। जो भाई हमारे चैनल पे पहली बार आया है, कृपया करके हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, 18 साल से कम उम्र के बच्चे मेरे वीडियो को नए देखे, और ये वीडियो भाई सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपको। जो हमारा कल का था वो थोड़ा सा 3+ कर गया, पता नहीं कैसे कर गया, वो देख समझ से बाहर है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज की पहली बहुत बेस्ट है, आप जोड़ लेना अच्छी तरह से और देख लेना। और जहाँ तक होता है देखो, मैं भी डालने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा कि कोई शुभ अंक मैं आपको बता सकूँ, ठीक है दोस्तों। बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से। तो भाई, सबसे पहले जो भी घर परिवार के बारे में अगर किसी भाई को पूछना है, कोई दिक्कत है, कोई काम धंधा सफल नहीं हो पा रहे हो, तो भाई इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे आ सकते हो और घर बार के बारे में या काम धंधे के बारे में या कारोबार के बारे में अपना पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हमारे 501 रुपये जो माता रानी का प्रसाद होता है बताने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। और 501 रुपये का प्रसाद होता है भाई, वो डालना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। देखो, इस बार सीधी सीधी मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, किसी भाई को अच्छा लगे तो आ सकता है, नहीं लगे तो मत आना, ठीक है। और ये अंक शुभ अंक लेने के लिए आप मेरे पास मत आए, प्रश्न में मत आया करो प्लीज़ भाई, क्योंकि प्रश्न में शुभ अंक नहीं होते। जो भी होता है मेरा स्वप्न से ही होता है, मैं स्वप्न से ही बनाता हूँ, वही डालता हूँ और वही बताता हूँ, और स्वप्न से मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा स्वप्न है, आज की जो हमारी पहेली है, बहुत बेस्ट होने वाली है। उससे पहले हमारे एक मन्नू खाईवाड़ा भाई, जो भी कोई भाई ऑनलाइन अगर गेम प्ले करता है तो भाई मन्नू खाईवाड़ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनका नंबर है 9812234652, 9812234652, ठीक है दोस्तों। ये मन्नू भाई पंजाबी हमारे खाईवाड़ और पंजाब से बिलोंग करते हैं, और बहुत बेस्ट बंदे हैं, बहुत अच्छा स्टेटमेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं एक करीब इनको साल से ऊपर से भी जानता हूँ, तो भाई हम उनसे कॉन्टैक्ट काफ़ी दिनों से हमारा उनका साथ कॉन्टैक्ट है, और बहुत फास्ट सर्विस है, कैश की कैश। जैसे भी जिस टाइम भी आपको आपका अंक शुभ होता है तो आप अपने कैश ले सकते हो, जैसे मर्जी कलम है, छठी बड़ी मटी तो भाई सब मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों चलो, कोई बात नहीं, आज की पहेली बताते हैं। आज की पहेली ये है भाई, थोड़ी अजीब है पर समझ लेना। जैसे मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, तीन चार लोग हम दिखाई दे रहे हैं कच्चे रास्ते से, और भाई गाड़ी को फुल बगा रखा है। तो सामने देखता हूँ ना, रास्ते में एक गाड़ी खड़ी है, वहां पे उनमें है ना, गाड़ी के अंदर लाशें पड़ी है बहुत सारी भाई, मतलब कम से कम 7-8 बंदों की लाशें हैं। दो बंदे बाहर पड़े हैं और फिर उसके पास में खड़े हैं, गाड़ी के पास में ऐसे खड़े खड़े मरे हुए हैं, और बाकी अंदर मरे मरे पड़े हैं। तो उन्होंने गोलियों से मारा हुआ था। तो मैं बात कर रहा हूँ यार, इनको भी मार दिया उन्होंने तो गोलियों से। तो पीछे से ना गोलियों की आवाज़ आती है, पीछे जैसे कोई हमारे पीछा कर रहा है, और धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऐसे गोलियों की आवाज़ आने लगी। मैं बोल रहा हूँ, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो भाई मुझे आदमी दिखाई देते हैं, हाथों में गन होती है, काफ़ी सारे मेरी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, आतंकवादी आ गए, आतंकवादी आ गए, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। और है ना भाई, मैं गाड़ी से ना, गाड़ी पूरी तेज बजाते हैं, तो गाड़ी से मैं कूद जाता हूँ, कूद के ना ऐसे हवा में उड़ उड़ के जाता हूँ। हवा में उड़ते हैं ना, ऐसे जंप लगाते हैं, ऐसे पूरे बड़े बड़े जंप लगाता हूँ भाई हवा में, उड़ उड़ के, उड़ उड़ के जा रहा हूँ, भागता हूँ इतनी स्पीड में। तो एक गाँव में घुस जाता हूँ, गाँव में ना सबको आवाज़ लगाता हूँ, आतंकवादी आ गए, आतंकवादी आ गए, आतंकवादी, ऐसे बोल रहा हूँ भाई। भाई ये क्या बनता क्या नहीं देख लेना आप, ठीक है। मेरे हिसाब से तो जो लाशें पड़ी है भाई वहाँ पे 47 मैं बनाता हूँ मेरी तरफ से, और आतंकवादी आते हैं उनका 09 लगता है, मैं बनाता हूँ मेरी तरफ से। बाकी मैंने आपको बता दिया भाई, देखो 47 और 09, बाकी आप देख लेना कहाँ पे शुभ हो सकता है। अगर आपसे सही जुड़ता हो तो भाई आप लोग अपने हिसाब से जोड़ के लगा लेना, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भाई नहीं जोड़ पाता तो कृपया करके भाई वो कमेंट बॉक्स में चेक कर लिया करो। हमारे बहुत से भाई दोस्त भाई हमारे ऐसे हैं यूट्यूब के ऊपर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कमेंट में डाल देते हैं कि ये बनता है। कल भी इन्होंने डाला था, बहुत अच्छी अच्छी गैसिंग की थी, किसी ने एक बंदे ने 34 भी किया था भाई, बहुत बेस्ट भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, अगर आपने लगाई तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो काफ़ी भाइयों ने 03 बनाया था, वो 03+ कर गया, कल 31 आई थी उसके अंदर 03+ करके आज 34 दे दिया। तो ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, ऐसे तो चलता रहता है। देखो गेम में ये सर्कल घूमता रहता है भाई, कम अमाउंट से स्टार्ट करो, अगर आप में इसमें जीतना तो कम अमाउंट लगाया करो, ज़्यादा मत लगाया करो, ठीक है दोस्तों। तो ये कम अमाउंट में अगर हम शुरू करते हैं तो हमें ये फ़ायदा देना शुरू करता है, अगर हम ज़्यादा अमाउंट से कुछ खाने के एकदम से सोचते हैं ना तो ये हमें डबो देता है। तो भाई मैं इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, इससे थोड़ा या तो बच के रहो, इसको लगाओ ही ना। अगर कोई लगाता भाई तो बिल्कुल कम अमाउंट से स्टार्ट किया करो, जब उससे कुछ बन जाता, कोई अमाउंट आ जाता तो उससे फिर धीरे धीरे खेलना शुरू करो, उसी अमाउंट से उसी कीमत में,
ऐसे नहीं कि भाई आज हमारा 100 रुपये का हमें मिल जाता तो कल को आज रात को ही हम उसको 10,000 रुपये का वापस लगा देते, तो उसमें लॉस ही होता है ना। तो ऐसे नहीं करना भाई, कम अमाउंट से चलो, धीरे धीरे चलोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों मैं लगाता नहीं हूँ भाई, आप सब भाई जानते हो, मैं बताता हूँ। बाकी मैं साथ जो काम करता हूँ, मैं भाई घर बार कारोबार के लिए, घर के अंदर के लिए मैं काम करता हूँ। मैं जो भी किसी को भाई ने कुछ पूछना, कोई दुकानदारी में रुकावट है, कोई कारोबार में दिक्कत है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे आ सकते हो भाई। ठीक है, तो आपका नाम पता, आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस, और ये चीज़ें आपने डालनी होती है जिससे माता रानी से अरदास करते हैं। उसके बाद आपकी अरदास स्वीकार होती है, तो भाई फिर आपको 500 रुपये प्रसाद पहले डालना पड़ता है, फिर हम आपको उनके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय माता दी, जय भैरव।